ओम शांति। हम सभी देवी देवता कुल की महान आत्माएं हैं। याद करें हम अपने उन महान संस्कारों को जो जन्म जन्म हमारे साथ रहे हैं, चाहे वो पवित्रता के संस्कार थे, चाहे सुखदायी संस्कार थे, चाहे परोपकारी संस्कार थे, कल्याणकारी संस्कार थे। हम महान रहे हैं, हमारे संस्कार भी बड़े रॉयल रहे हैं। अब पुनः हम उन्हीं संस्कारों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। हम सभी को चेक कर लेना है, हमारे संस्कार हमारी महानताओं के अनुरूप हैं या नहीं हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, हम पूर्वज हैं। हमें बाबा ने विश्व कल्याण का महान कार्य भी सौंपा है। हम जन जन को प्रभु से मिलाने का काम करते हैं। हमें इस सब को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान भी दिलाना है। तो क्या हमारे संस्कार ऐसे रॉयल हैं जो महान हैं? क्या वो फीलिंग में आना, रूसना रूठना, परेशान रहना, दुख देना और लेना, क्या इन संस्कारों के वशीभूत हो सकते हैं? जिन्हें विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करना है, क्या वे क्रोध के, तेरे मेरे के, टकराव के, लड़ाई झगड़े के संस्कारों में लिप्त रह सकते हैं? देख लें, जिन्हें प्रकृति को भी पावन करना है, क्या उनमें अपवित्रता के संस्कार, लस्ट के संस्कार, देह की ओर आकर्षित होने के संस्कार बार बार आकर्षित कर सकते हैं? हम इन संस्कारों से ऊपर उठ जाएं और अपने संस्कारों को बहुत डिवाइन और बहुत रॉयल बनाएं। हमारे संस्कार तो सुख देने के हैं, हमारे संस्कार तो सबकी पीड़ा हरने के हैं, हमारे संस्कार तो बिगड़ी को बनाने के हैं। संस्कारों को सिंपल भाषा में आदत कह लें। हमारी आदतें तो वरदानी बोल बोलने की है, हमारे संस्कार कटु वचन उच्चारण करने के हैं ही नहीं। हम तो शंकर महादेव की तरह दूसरों का विष पीने वाले हैं, उन्हें अमृत देने वाले हैं। हमें कभी भी विष उगलना नहीं है। तो अपने संस्कारों को आज विशेष रूप से चेक करेंगे। मेरे पास कोई गलत संस्कार तो नहीं है जो मुझे संपूर्णता की राह पर चलने से रोकता है, जो महान लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न करता है, जो संगठन में रहने में मुझे कठिनाई पैदा करता है, दूसरों को कठिनाई पैदा करता है, या कोई ऐसा छोटा मोटा संस्कार जो हमें निगेटिविटी की ओर ले चलता है, जो हमारी महानताओं को विलीन कर देता है। जब दूसरे देखते हैं कि इनमें तो ये संस्कार है, ये तो फट से रूस जाते हैं, ये तो असंतुष्ट हो जाते हैं, इन्हें सम्मान न दिया गया, तो ये बिल्कुल विचलित परेशान हो जाएंगे, तूफान मचाने लगेंगे। तो ये संस्कार देख लें क्या महान आत्माओं के, भगवान के बच्चों के हो सकते हैं? अपनी महानताओं को पहचाने, कितने महान हैं हम, किसके हैं हम। जैसे हमारे बाप के संस्कार, ब्रह्मा बाबा के संस्कार, वैसे ही हमारे संस्कार भी होंगे ही। वो सब हमारे अंदर समाये हुए हैं। जैसे बाबा उदार चित, सबको सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले, सबको प्रेरित करने वाले थे, वैसे ही हम भी बन जाएं। तो आज सारा दिन अपने देव स्वरूप को याद करेंगे।
इस नशे में रहेंगे, बाबा मुझे क्या देने आया है, एक विजन बनाएंगे जैसे बाबा बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और एक स्वर्ग का मॉडल हाथ पर रखा हुआ है, ताज और तिलक लिए हुए हैं और मुझे प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे यही सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने देव स्वरूप के नशे में रहेंगे, अपनी भविष्य प्राप्तियों के नशे में सारा दिन रहेंगे और अपने देव संस्कारों से वर्तमान संस्कारों की तुलना करते हुए अपने संस्कारों को बहुत दिव्य बहुत रॉयल बनाएंगे ताकि हमें देखकर सभी को बाप दादा का साक्षात्कार हो। ओम शांति।